मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के आशफाबाद स्थित प्राइवेट अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शनिवार की सुबह थाना रसूलपुर क्षेत्र के आशफाबाद के स्थित राज हॉस्पिटल में उस समय हंगामा खड़ा हुआ जब सुमन देवी नामक महिला का इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला के मौत के बाद परिजनों ने आकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना के सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर हंगामा शांत करा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिमूर है। क्या घटना हुई आपको? ऐसा था, मेरी बहन थी, उनकी डिलीवरी होने की थी, तो उन्होंने हमारी घर से आई कि ये बोला था दीदी परेशान है हम जा रहे हैं, तो हमने सब जा, तो हमारा छोटा भाई था, उन्होंने राज हॉस्पिटल में राज भर्ती कर दी है, भर्ती कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। हमारे पास फ़ोन पहुंचा कि दीदी ज़्यादा परेशान, हमें 40 मिनट आने में फिरोजाबाद में लगती हैं, तब तक उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है। किस चीज़ का ऑपरेशन किया है? बच्चे का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने जब उनसे बात करी अपनी बहन जी से, हमने दीदी कुछ परेशानी, तो वो बोली अभी तो भाई कुछ परेशानी नहीं, घबराहट हो रही है मेरे को। हम 11 बजे वहाँ से रात को हॉस्पिटल से हमने अपने घर गए, घर से पहुँच के सुबह हुआ, सुबह होने से रात को मेरे पास फ़ोन हुआ था कि भैया जैसे बैठे हो तैसे चले आप। हम वहाँ से घर से निकले तैसे यहाँ आ गए। आने के बाद तब तक आने लग गया टाइम, इन्होंने आगरा के लिए रेफर कर दिया है। थाना कौन सा लगता है? रसूलपुर। अब हॉस्पिटल में कौन है? वहाँ तो अभी ताला पड़ा है, अभी एक लेडीज पकड़ के आई है। कोई डॉक्टर नहीं है? वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।